बात करेंगे कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। आज क्या न्यूज़ और अपडेट्स आ रही हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेके, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अगर बात करें, आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमको थोड़ा सा डाउन जाता हुआ दिखा, मतलब 1-2% का डाउनफॉल बिटकॉइन के अंदर हमको देखने को मिला। बिटकॉइन $41,000 के लेवल पर आ गया था, लेकिन फिर से अभी $42,000 पर ट्रेड कर रहा है। और इथीरियम की बात करें, अभी जो करंट प्राइस इथीरियम के चल रहे हैं वो $31 के चल रहे हैं, मतलब 3100 पे ट्रेड कर रहा है। और यही हाल बाकी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस का भी है। दो मेजर कॉइन्स के अंदर हमको मेजर डाउनफॉल देखने को मिला। फैंटम और मैटिक कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे काफी टाइम से, 8-8% का दोनों के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये कुछ करंट सिचुएशन क्रिप्टो मार्केट की अभी बनी हुई है। और अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी अपडेट्स के बारे में। पहले नंबर की अपडेट की बात करें तो वो है सबसे बड़ी अपडेट, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे आज एक बहुत बड़ी चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आज फिर से क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की है ना। थर्ड टाइम है ये जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की है और ग्लोबली बात की है। ग्लोबली जो है कहा है कि मिलके क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर काम करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो एफर्ट्स हैं वो दिखने चाहिए। और ग्लोबली सपोर्ट मांगा है रेगुलेशंस को लेके भी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं ये फिर से मतलब चीज़ हमको दिख रही है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को लेके। और क्रिप्टो करेंसी को लेके कितना सीरियस हैं जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको क्लियर दिख रही है। और फिर से आज जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर से ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात की, बाकी कंट्री से जो है यहाँ पे सपोर्ट की बात की है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मिलके काम करना होगा। और ये एक सबसे बड़ी अपडेट है पूरी क्रिप्टो करेंसी को लेके, इंडिया की कम्युनिटी को लेके, है ना। सेकंड अपडेट की बात करें तो वो है बिटकॉइन के प्राइस को लेके। बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट जो यहाँ पे है प्राइस प्रेडिक्शन कर चुके हैं बिटकॉइन का। कोई कहता है कि इस साल मिड तक बिटकॉइन $1,00,000 को क्रॉस कर लेगा, कोई कह रहा है इस साल के एंड तक बिटकॉइन के प्राइस $2,20,000 तक पहुंच जाएंगे। अब कितने प्राइस पहुंचेंगे ये चीज़ें टाइम ही बताएगा, लेकिन $1,00,000 का जो लेवल है वो हमको दिख सकता है इस साल ज़रूर। और आपको क्या लगता है बिटकॉइन इस साल कितने प्राइस टारगेट को हिट करेगा, अपना नया ऑल टाइम जो हाई है इस साल कितने का बनाएगा बिटकॉइन, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या लगता है। थर्ड अपडेट की बात करें तो वो है पॉलीगन मैटिक को लेकर। पॉलीगन मैटिक अपनी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा लेके आने वाला है 18 जनवरी, यानी आज जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा मतलब गेमिंग से जुड़ा हुआ कुछ लेके आने वाला है पॉलीगन मैटिक। और क्या कुछ लेके आता है ये सबसे बड़ी अपडेट है। गेमिंग की दुनिया में भी कहीं ना कहीं पॉलीगन मैटिक अब उतरने वाला है या काम कर रहा है। और एक बर्न मैकेनिज्म भी एक्टिवेट किया है EIP-1559। ये जो है इसने जो अपने पॉलीगन मैटिक ने इसको जो एक्टिव किया है ये कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा सप्लाई का बर्न करेगा पॉलीगन मैटिक की। ये भी एक सबसे बड़ी अपडेट है। और दूसरी गेमिंग वाली, ये दो चीज़ें बड़ी हुई हैं पॉलीगन मैटिक को लेकर रिसेंटली ही। थर्ड अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पे शिबा इनू कॉइन को लेके। शिबा इनू कॉइन की पिछले 3 दिन के अंदर 383 मिलियन कॉइन्स बर्न किए गए हैं। लगभग अगर आप देखेंगे तो 400 मिलियन के अराउंड ये कॉइन बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। पिछले दिनों आप देख रहे थे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 21 मिलियन, 20 मिलियन, इस तरह का नंबर हमको देखने को मिल रहा था। अगर देखोगे पिछले कुछ टाइम से जो बर्निंग का नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो 3 दिन के अंदर 400 मिलियन तक ये नंबर पहुंच चुका है और काफ़ी बड़े लेवल पे बर्निंग शिबा इनू की मिलियंस में हो रही है। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।